आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते दिनों से सत्येंद्र जैन के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी बढ़िया खाना खाते दिख रहे हैं तो कभी मालिश करवाते हुए दिख रहे हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जेल के अंदर जेल अधीक्षक से मुलाकात करते दिख रहे हैं। दरअसल वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है। इसमें जेल अधीक्षक के आने पर जैन को चार लोगों के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि सीसीटीवी फुटेज कैसे लीक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में कोर्ट का भी रुख किया है। वहीं तिहाड़ प्राधिकरण ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ईडी ने संदिग्धों के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। इसमें इफ्को के एमडी उदय शंकर अवस्थी, ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर पंकज जैन, दुबई के अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन भी आरोपी थे। गौरतलब है कि सीबीआई ने उन पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार करने का आरोप लगाया था। बता दें कि जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि अवैध तरीकों से भारत में संजय जैन द्वारा 37.12 करोड़ रुपए और 6.18 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि प्राप्त की गई थी। दरअसल ईडी ने 6 आरोपियों के खिलाफ 2021 में एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी। इसरो ने हाल ही में निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च करके इतिहास रचने के बाद सनसेट सीरीज के थर्ड जेनरेशन का सैटेलाइट ओशन सेट थर्ड के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस मिशन को शनिवार को सुबह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मिशन का प्राथमिक पैलेट ओशन सेट सीरीज के थर्ड जेनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट थर्ड है। ओशन सेट सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है। इसके अलावा यह सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में सक्षम है, जिससे देश किसी भी चक्रवात के लिए पहले से तैयार रहे। इसी सीरीज के पहले उपग्रह ओशन सेट 1 को 26 मई 1999 को लॉन्च किया गया था। फिर ओशन सेट 2 को 23 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। वहीं 2016 में ओशन सेट 2 के स्केट्रोमीटर खराब होने के बाद स्केट सेट 1 लॉन्च किया गया। इसी सीरीज के थर्ड जेनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 को रविवार को प्रक्षेपित किया जाएगा। इस सीरीज के सैटेलाइट में ओशन कलर मॉनिटर मौजूद रहे। इस मिशन में भी ओशन कलर मॉनिटर OCM3, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर क्यू बैंड, स्केट्रोमीटर और ARGOS जैसे पैलेट है। EOS-06 ओशन सेट थर्ड के अलावा 8 नैनो सेट में पिक्सल से आनंद, इसरो भूटान सेट, ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थाइबोल्ट और स्पेस फ्लाइट US से 4 एस्ट्रोकास्ट प्रक्षेपित किए गए। ये पूरा मिशन लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक चलने वाला है, जो कि PSLV का लंबा मिशन होगा। इस दौरान प्राथमिक उपग्रहों और नैनो उपग्रहों को 2 अलग अलग सोलर सनक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में लॉन्च किया गया। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शुक्रवार को जांचकर्ताओं को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान वो जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी नहीं निकाल सके। जांचकर्ता आफताब के साथ रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लगभग 4 बजे पहुंचे और शाम 6:30 बजे वहां से रवाना हुए। सूत्रों ने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट शुक्रवार को अधूरा रहा और शनिवार को एक और सत्र होगा। FSL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अधिकारी आफताब से सवाल पूछ रहे हैं और पॉलीग्राफी टेस्ट आगे भी जारी रहने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को आफताब से करीब 50 से 60 सवाल पूछे गए और जब भी हिंदी में सवाल पूछा गया तो आफताब ने पूरे सत्र के दौरान अंग्रेजी में जवाब दिया और शांत रहा। सूत्रों ने कहा कि इस मामले में पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट अनिवार्य है, क्योंकि पूछताछ के दौरान आफताब सही से जवाब नहीं दे रहा है और पूछताछकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि श्रद्धा और आफताब 2018 में डेटिंग ऐप बंबल के जरिए मिले थे। वो 8 मई को दिल्ली आए थे और 15 मई को छतरपुर इलाके में शिफ्ट हो गए थे। 18 मई को आफताब ने कथित तौर पर श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, 18 दिनों तक वो श्रद्धा के शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर फेंकता रहा। गौरतलब है कि आफताब कथित तौर पर अमरीकी अपराध शो डेक्स्टर मॉर्गन से प्रेरित था, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समाज में दोहरी जिंदगी जीता है।
गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दलों मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने से पहले वीडियो जारी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के शासन में गुजरात का निरंतर विकास हो रहा है। विकासवाद की राजनीति परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी है, उनका भी सम्मान गुजरात है। इसीलिए गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 5 साल में 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। वहीं छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐलान है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये महज संकल्प पत्र नहीं है, जो कहा है वो करेंगे। ये जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है। तो भारतीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए अपना काम गिनाया। 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट की जाएंगी अगले 5 साल। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षर का हम लागू करेंगे, इसको हम पूरा बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया कि संकल्प पत्र को बनाने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से राय ली गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता को दिल्ली के निकाय चुनाव में फैसला करना है कि उन्हें बीजेपी के 10 वीडियो चाहिए या आम आदमी पार्टी के 10 काम। मेरा ये कहना है एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है, भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल की 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन वीडियो सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। शुक्रवार को दाखिल सीबीआई के आरोप पत्र में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आने पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने कल आरोप पत्र दाखिल किया, मनीष सिसोदिया का नाम इसमें नहीं है, सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सिसोदिया को फंसाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे लेकिन उनके खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। कल की चार्जशीट से ये साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के 1 हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का, अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। शराब नीति में कथित घोटाले के संबंध में जांच के दौरान कुल 800 अधिकारियों ने 24 घंटे काम किया और 500 स्थानों पर छापे मारे। वो कह रहे थे कि उन्हें 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। उन्होंने सिसोदिया के बैंक खाते की जांच की और उनके गांव भी गए लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मेरी अब हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं, 18 के 18 घंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से,
किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार करूं, किस तरह से केजरीवाल पे कीचड़ फेंकूं। मेरा आपसे निवेदन है 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी। उन्होंने दावा किया कि चेहरा बचाने के लिए एक अतिरिक्त चार्जशीट आ सकती है। जांच 2015 से चल रही है, ये जीवन भर चलेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया हमें पीएम से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिला है। प्रधानमंत्री इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं लेकिन तमाम जांच के बावजूद उन्हें मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बेहद ईमानदार हैं। शनिवार 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शिरकत की। साथ ही पीएम मोदी ने समारोह के दौरान कई ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सेवाओं का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दरअसल 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था और तभी से आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। संविधान दिवस समारोह के मौके पर पीएम मोदी, सीजेआई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। संविधान दिवस समारोह के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है ये केवल 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है और एक विश्वास है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.